हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये वाला काली मूर्ति को कलर करके दिखाऊंगा। कुछ दिन पहले मैं इसको बना के दिखाया था, आप अगर नहीं देखे तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो जो जगह ब्लैक नहीं करूंगा उन जगह पे सफेद कलर दे रहा हूं। ये हाथ में दे रहा हूँ, देखिए महादेव के पूरा बॉडी पे दे रहा हूँ सफेद कलर। ये अब माँ का स्किन पे ब्लैक कलर कर रहा हूँ। आंख और मुंह छोड़ के सब जगह पे दे रहा हूँ अच्छे से, देखिए। अब बॉडी के स्किन पे दे रहा हूँ। ग्राउंड में मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, आप खुद के पसंद के वाइज कलर कर लेना। ये हाथ पे ऑरेंज कलर कर रहा हूँ। दोनों हाथ पे दे रहा हूँ, देखिए। अब रेड कलर से दाग दे रहा हूँ हाथ पे। पैर में सफेद कलर से थोड़ा डिजाइन कर रहा हूँ, ये फूल जैसा ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। पैर के नाखून को भी सफेद कलर कर रहा हूँ, बाद में रेड कलर दूंगा। ये रेड कलर को दे रहा हूँ अब। महादेव का बॉडी में रुद्राक्ष बनाऊंगा, थोड़ा अलग टाइप का होता है ये। पहले येलो कलर दे रहा हूँ, मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं था इसलिए ब्लू कलर से शैडो दे रहा हूँ। अब छोटा छोटा रुद्राक्ष बना रहा हूँ, देखिए। रेड कलर से इस तरह से डिजाइन कर रहा हूँ। महादेव का आई पेंट करूंगा। पहले ब्राउन कलर से एक आउटलाइन कर रहा हूँ, मूंछ को भी बना रहा हूँ ब्राउन कलर से, और ये आईब्रो को भी बना रहा हूँ। होंठ पे गुलाबी कलर दे रहा हूँ। आंख पे ब्लैक कलर से आप आउटलाइन कर रहा हूँ। आईब्रो पे भी दे रहा हूँ ब्लैक कलर। ये आईलैश को बना रहा हूँ। अब माँ का फेस ड्रॉ करूंगा। पहले ऑरेंज कलर से एक आउटलाइन दे रहा हूँ आंख के बाहर। ये आईब्रो पे दे रहा हूँ, देखिए। दूसरे आंख पे दे रहा हूँ। मुंह के भीतर भी ऑरेंज कलर दे रहा हूँ। ये जीप पे आप ऑरेंज कलर दे रहा हूँ। रेड में हल्का सा ब्लैक मिला के इस तरह से आउटलाइन कर रहा हूँ एक आंख के पास।
ये दूसरे आग में दे रहा हूँ, जीप में भी दे रहा हूँ, देखिए। दांत को बना रहा हूँ अब। ब्लैक कलर से अब आई वॉल को बना रहा हूँ। ये दूसरे आग पे बना रहा हूँ। सफेद कलर लेके आँख के भीतर इस तरह से आधा चांद जैसा बना रहा हूँ। इनके भीतर ब्राउन कलर दे रहा हूँ, देखिए। येलो कलर से आँख के ऊपर और मुंह के पास थोड़ा आउटलाइन कर रहा हूँ। मुंडमाला को कलर कर रहा हूँ। पहले बहुत सारा कलर दे रहा हूँ। ये बाल को ब्लैक कलर कर रहा हूँ। अब आई ड्रॉ कर रहा हूँ। पूरा मूर्ति पे अब वार्निश अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से दे रहा हूँ, देखिए। ये मुंडमाला को पहना रहा हूँ आप। ये स्नेक को दे रहा हूँ सब जगह पे। ये रहा मूर्ति का फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना। अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसको मैं बहुत ही जल्द डेकोरेट करके दिखाऊंगा आपको। पूजा बहुत ही पास है, जितना जल्दी हो सके इनको ख़त्म करना है। इसके पहले मैं सेम दूसरे और एक मूर्ति बनाया था पिछले साल। वो वाला मूर्ति का सारे पार्ट अवेलेबल है, आप देखना चाहते हो तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर कुछ मूर्ति बनाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर पे जाके फॉलो कर लेना। मैं पिछले एक व्लॉग में इनके बारे में डिटेल से बताया था, किधर पे पूजा होता है, कौन सा टाइम पे होता है, वो सब। आप देखना चाहते हो तो देख लेना। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बोलना। अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।